तुम ही सोचो ना युवान, इतने दिनों में जो जो भी हमले हुए हैं वो थारे पे ना, सिर्फ मारे पे हुए। क्यों? बन्नी, मुझे लगता है तुम्हें ना कोई गलत फहमी हुई है, ये दवाइयों का असर है या कुछ तो है। तुम फिलहाल रेस्ट करो, एक बार तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाए फिर हम इस पे बात करेंगे। प्लीज तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को बोलता हूँ। पापा थोड़ी हो सकते, पापा नहीं हो सकते। युवान, मैं थोड़ा दर्द तारी तकलीफ समझ सकूं, मैं समझ सकती हूँ कि ये सच अचानक कितना मुश्किल है, पर इससे सच बदल ना जाएगा कि अपराधी तेरे पापा सही है। I love you तुलिका, प्यार करता हूं तुमसे, बहुत ज्यादा प्यार। दूसरों से आंसू तो छुपा लोगी तुलिका, जो दर्द तुम्हें दिल में हो रहा है उसे खुद से कैसे छुपाओगी? ऐसा कुछ नहीं है। सीरियसली तुलिका, ऐसा कुछ नहीं है। सालों से जानता हूं तुम्हें और हर एक बात तो कह सकता हूं कि कुछ तो है जो तुम सबसे छुपा रही हो। क्या छुपाऊंगी मैं किसी से? कबीर और मेरी शादी की बात मैंने सबको बता दी, और क्या रह गया है? और क्या रह गया है क्या नहीं रह गया ये तो तुम ही जानती हो। बस इतना जानता हूं कि जो भी बात है वो तुम्हें खुद चुप रही है। ऐसा कुछ नहीं, प्लीज। ओके, इफ यू से सो। फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार बन्नी से बात कर लेनी चाहिए था लड़का, और कुछ नहीं तो कम से कम इसे तुम्हारे अंदर की घुटन है ये थोड़ी कम तो होगी, एक बार बात कर लेना। और तुम तुम नहीं बताओगे बन्नी को अपने दिल की बात? तुम प्यार नहीं करते हो बन्नी से अगस्त्य, चलता हूं। बन्नी को कैसे बताऊं अगस्त्य, कैसे बताओ बन्नी को कि उस रात क्या हुआ था? बन्नी, तुम हाँ जी हॉस्पिटल से आई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो कमरे। कुछ कहना ना है, कुछ सुनना ना है, बस साथ बैठूंगा है। आराम नहीं करना? माँ और पापा के बीच बहुत प्यार था बन्नी, बहुत गहरा रिश्ता था उन दोनों को। मुझे ऐसी कोई वजह नहीं दिखती कि पापा माँ के साथ ऐसा कुछ कर सकते। पापा बहुत अच्छे इंसान है बन्नी, माँ के जाने के बाद पापा और दादू ने मुझे संभाला, मुझे पाला, मुझे प्यार दिया, माँ के हिस्से का भी प्यार दिया। बाकी सारे रिश्ते तो बस जब जब समय मिला जता दिया कि कितना पराया था।
पापा ने कभी नहीं। पापा ऐसा कर सकते हैं, ये मन नहीं मानता बन्नी, मन नहीं मानता। युवान झूठ के ना हजार कपड़े हो गए, सच हमेशा ही नंगा हो गया। आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जावे। तारे को मारे पे भरोसा है ना, करो ना भरोसा मारे पे, तो बस सच को सामने लाने में मारी मदद कर। मैं ये सच तारे सामने ला कर ही रहूंगी, और फिर तुम अपनी आंखों से देखकर भरोसा करना। I wish ये तुम्हारी गलत फहमी हो बन्नी। हे शंभु जी, शक्ति देना मारी को कि मैं युवान को उसके पापा का सच साबित करके दिखाऊं, और युवान भी उसे स्वीकार कर सके। अरे आप बैंगलोर से आ गए पापा? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। तू नाराज है कि यहाँ बनने का एक्सीडेंट हो गया है और पापा बैंगलोर चले गए, राइट? युवान, मैं जानता था बेटा कि बन्नी खतरे से बाहर है, और इस बात का भी यकीन था कि मेरा युवान यहाँ है। फैमिली के बाकी लोग भी हैं, सब संभाल लेंगे। और रही बात बैंगलोर जाने की, तो जाना बहुत जरूरी था बेटा। इतना क्या जरूरी था पापा? जानना चाहता है? हाँ। याद है वंदना मम्मा का म्यूजिक स्कूल था? वहां के अनाथ बच्चों के लिए मैंने एक आश्रम खोला है, वहीं पे दान देने गया था। अपनी तरफ से हर साल मेरी तरफ से ये वंदना को श्रद्धांजलि होती है बेटा। भूल गया? याद नहीं है? इवान, आज वंदना मम्मा का बर्थडे है, और आज के दिन हर साल मेरे सीने पे बहुत बड़ा बोझ होता है बेटा। कैसा बोझ पापा? काश युवान, काश शिवरात्रि के दिन मैं वंदना को बचा पाता। जानता है युवान, इन 20 सालों में मैंने कभी भी वंदना को अपने से दूर नहीं जाने दिया। किसी ना किसी रूप में वो हमेशा मेरे साथ, मेरे पास रही है। पापा माँ का जन्मदिन नहीं भूलते, कितना प्यार करते हैं माँ को। बन्नी को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक्सक्यूज मी, हेमंत जी कहाँ मिलेंगे? जी, मैं ही उनका बेटा हूँ, कहिए। वो हमारे होटल में कल रात रुके थे ना, तो अपना जैकेट भूल आए वहाँ पे। युवान, तुम ठीक हो ना? युवान, युवान क्या हुआ? युवान, तारी तबीयत भी ठीक ना लग रही। युवान बताओ मेरे से क्या हुआ? एक आदमी आया था बन्नी होटल, होटल गैलेक्सी व्यू से ये जैकेट देके गए। हाँ, तो इसमें क्या है? पापा की जैकेट है।
बन्नी ये जैकेट पापा की है। पापा ने मुझसे बाकी सबसे कहा था कि वो बैंगलोर जा रहे हैं, तो उनकी जैकेट जोधपुर के होटल गैलेक्सी व्यू में क्या कर रही थी? वो कल भूल गए थे, उस आदमी ने कहा कल रात। इसका मतलब कि थारे पापा सा कल जोधपुर में थे, उन्होंने थारे से और सबसे झूठ कहा कि वो बैंगलोर गए हुए थे। अब तो विश्वास हुआ ना युवान कि हॉस्पिटल में वो हमारे पे हमला करने वाले उस डॉक्टर के बेस में कोई और ना बल्कि थारे पापा सा ही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था युवान। युवान, थारे को ये सच स्वीकार करना ही होगा। थारी जिंदगी का वो सबसे बड़ा सदमा यही है कि तुमने अपनी आंखों से ये पापा को मम्मा को मारते हुए देखा। हाँ युवान, थारे को अपने इस सदमे को याद करने की कोशिश करनी होगी। इससे भागने की जगह, इससे डरने की जगह थारे को इस सच का सामना करना होगा युवान। युवान, तभी तुम अपने इस तकलीफ से दूर हो पाओगे। मेरी बात मानो युवान, याद करने की कोशिश करो। क्या चाहती हो तुम बन्नी? मैं अपने पापा से लड़ाई करूं, उनसे पूछूं कि आपने मेरी मम्मा को क्यों मारा? मैं ये नहीं कर सकता पन्नी। युवान, मैं धारी दुविधा समझ सकूं, पर धारी को किसी से भी लड़ने की कोई जरूरत ना है। मैं हूं ना धारे साथ, धारी बन्नी है ना, मैं ये सच धारे सामने लाके रहूंगी। तुम अपने ही कानों से, अपने पापा से सच सुन के ही रहोगे युवान, पर इसमें मारे को थारी मदद की जरूरत है युवान। इस सच जाने के लिए थारे को वही करना होगा जैसा मैं थारे से कहूं। कर पाओगे? बन्नी, आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ मेरा स्टूडियो जाना बिल्कुल गलत था, लेकिन मुझे वो फोन कॉल आया, मैं नहीं रोक पाई खुद को। तुलिका, इस सब में थारे कोई गलती ना है। थारे को तो बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। मैं जानू इसके पीछे असली चेहरा किसका था, और इसलिए मैंने थारे को बात करने के लिए हठे बुलाया, क्योंकि हठे बात करना हमारे लिए सुरक्षित ना था। बन्नी, तुम इतनी सस्पेंसफुल बातें क्यों कर रही हो? मतलब कौन था? तुमने कहा तुम जानती हो कौन था, क्या नाम है उसका? तुलिका, वो युवान के पापा साथे। What? युवान के पापा? बन्नी, आर यू श्योर? हाँ तुलिका, जितना इस सच ने धारे को हैरान किया है ना, उतना ही सच ने मारे को परेशान कर रखा है। और शायद तुम युवान के बाद पहले इंसान हो जिसके साथ मैंने ये राज बांटा है। गॉड, बन्नी, अगर ये सच सामने आया तो युवान के ट्रीटमेंट में ये बहुत काम आ सकता है, और अगर ये पता चल जाए कि उन्होंने ये क्यों किया, युवान को ठीक कर सकते हैं बन्नी। अंतुलिका, ये सच बाहर लाना, साबित करना आसान ना होने वाला है, क्योंकि पापा सा तो खुद स्वीकार करने से रहे, वो कुछ ना बताने वाले, पर ये समझना आ रहा कि ये सच जानने के बाद भी युवान को अपने बचपन के बारे में कुछ याद ना आया। अब करे क्या? मतलब तुलिका, मारे को कुछ सूझा है
और इसलिए मैंने तारे को अठे बुलाया। तो तुलिका, मैंने जो सोचा है ना, वो तारी मदद के बिना मुमकिन ना होगा। अगर हमें हमारे युवान को एक अच्छी जिंदगी देनी है, तो उसके पापा साका ये सच सबके सामने लाना है और उसकी मम्मा को न्याय दिलाना है, तो हमारे को तुम दोनों की मदद चाहिए होगी, थारे और युवान की। तुलिका, मैं थारे से आखिरी बार ये मदद मांग रही हूँ, साची। बन्नी, इट्स ओके। अरे, युवान की जिंदगी का सवाल है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, इट्स ओके। सॉरी, बहुत लेट हो गई। कोई बात ना है तुलिका, घर वालों के आने तक थोड़ा टाइम है। तो हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले तो थारे को युवान को वीडियो कॉल करना होगा। थारे को ऐसा दिखाना होगा कि थारा अपहरण हो गया है और थारी जान खतरे में है। थारे को इतनी तकलीफ में देखकर कबीर बाहर जरूर आवे। कबीर, घबराओ मत तुलिका, युवान हमारे इस प्लान के बारे में जाने। गलत भी तो हो सकते हैं, शायद इस सारी प्लानिंग के पीछे पापा हो ही नहीं। तो ये जानते हुए युवान के अंदर से कबीर बाहर ना आ पाएगा। युवान सिर्फ कबीर बनने का नाटक करेगा। कबीर बनने के बाद युवान पापा सा को धमकाएगा कि उन्होंने थारा अपहरण किया है, फिर वो जानबूझ के पापा सा को भगा के उस जगह ले जाएगा जटे थारे को बांधा गया है। पापा सा जब आएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि तुलिका आग के बीच में फंसी हुई है। तुम बेशक वहाँ से भाग के कहीं छुप जाना और थारी जगह मैं आग के घेरे में एक जलता हुआ पुतला रख दूंगी, पर उनकी नजर में ऐसा लगेगा कि तुलिका आग के बीच में फंसी हुई है। और ये जान के कबीर युवान के अंदर से बाहर आया, क्योंकि उसकी माँ भी यही जल के मरी थी। और ऐसे कबीर बन के वो पापा सा के सामने उन्हें किसी तरह से अपनी माँ के मौत का सच उगलवाने के लिए उकसा देगा। पापा सा को लागे कि ये कबीर है, कबीर जो वो सच जाने, तो कबीर के सामने यानी कि हमारे युवान के सामने उन्हें सच उगलने में कोई परेशानी ना दिखेगी। जब वो बेझिझक अपना सच स्वीकार करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उन्होंने वंदना मम्मा को युवान से क्यों छीना, क्यों अपनी पत्नी को आग में जलाकर मार दिया। और इससे ना सिर्फ पापा सा का सच सबके सामने आएगा, बल्कि हमारा युवान भी ये सच जान पाएगा और इस सच का सामना कर पाएगा। ओके। और लेकिन अगर बन्नी, अगर मैं छिपने की बजाय सच में आग में फंसी, तो स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।